हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेलर थ्योरम पर बेस्ड कुछ एग्जांपल करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल किए हैं और टेलर थ्योरम का प्रूफ किया था। कुछ एग्जांपल हम इसमें करेंगे, जैसे इस टाइप का दिया हुआ है, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स अबाउट द पॉइंट पाई बाई थ्री। इसमें ना तो ये लिखा है कि हमें एक्स की पावर में एक्सपेंड करना है, ना ये लिखा है कि एच की पावर में एक्सपेंड करना है, ना ही एक्स माइनस ए की पावर में। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर दिया है अबाउट दी पॉइंट पाई बाई थ्री, इसका मतलब ये किसका पॉइंट दिया हुआ है, एक्स का पॉइंट है। मतलब एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या लेना है, पाई बाई थ्री लेना है। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री मतलब एक्स माइनस ए की पावर में एक्सपेंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना है, लॉग कॉस एक्स, मतलब एक्स माइनस जिसमें जो हमारा हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, लॉग कॉस एक्स। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, मतलब लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन एक्स, मतलब वन अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, इसका मतलब ये कितना आ गया, माइनस टेन एक्स। इसी तरह से जब हमने सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो टेन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डिफरेंशिएट किया एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होगा टू सेक एक्स, और सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स। यहाँ पर हमें कहाँ तक डिफरेंशिएट करना है, मतलब कम से कम हमारे पास थ्री नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए, मतलब एक सीरीज दिखना चाहिए कि हमने सीरीज निकाली है। तो यहाँ पर कई बार लिखकर आता है कि हमको कितने टर्म्स निकालने हैं, लेकिन अगर नहीं आता है तो हमको एटलीस्ट थ्री नॉन जीरो टर्म्स निकालने होते हैं। यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एक्स ये कितना हो जाएगा, माइनस टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब इस पर हम वैल्यू देखते हैं, अगर कोई वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम एफ फोर एक्स भी निकालेंगे। यहाँ पर हमें क्या रखना है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, पॉइंट हमको दिया हुआ है एफ पाई बाई थ्री इक्वल टू कितना होगा, लॉग कॉस पाई बाई थ्री। कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, वन बाई टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग वन बाय टू। ठीक, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई एफ पाई बाई थ्री की। इसी तरह से यहां पर जब हम रखेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो यहां पर क्या आएगा, एफ डैश पाई बाई थ्री, और एफ डैश पाई बाई थ्री मतलब टेन पाई बाई थ्री, टेन पाई बाई थ्री कितना होता है, रूट थ्री, मतलब माइनस रूट थ्री। इसी तरह से यहां पर रखेंगे एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो एफ डबल डैश पाई बाई थ्री, एफ डबल डैश पाई बाई थ्री मतलब सेक पाई बाई थ्री, तो सेक पाई बाई थ्री कितना होगा, टू, टू का स्क्वायर फोर, मतलब माइनस फोर। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई एफ डैश पाई बाई थ्री। इसी तरह से एफ डबल डैश पाई बाई थ्री मतलब यहाँ पर जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर हमने वैल्यूज निकाल ली। इसी तरह से यहाँ पर हम रखेंगे एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, एफ ट्रिपल डैश पाई बाई थ्री इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टू सेक स्क्वायर पाई बाई थ्री, फिर टेन पाई बाई थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी एफ ट्रिपल डैश पाई बाई थ्री, मतलब सेक पाई बाई थ्री ये तो हो जाएगा फोर, क्योंकि टू होता है, सेक पाई बाई थ्री कितना होता है, टू, टू का स्क्वायर फोर, एंड टेन पाई बाई थ्री होता है रूट थ्री, ये आ गया माइनस एट रूट थ्री। ठीक, ये हो गया एफ ट्रिपल डैश पाई बाई थ्री। अब हम टेलर थ्योरम, हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली, अब हम जानते हैं टेलर थ्योरम से कि x माइनस ए की पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है f पाई बाई थ्री, इसका मतलब किसका पॉइंट है, x इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो x माइनस पाई बाई थ्री लिखेंगे तभी तो x इक्वल टू पाई बाई थ्री आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस ए की पावर में जो एक्सपेंड करते हैं, वी नो दैट बाय टेलर सीरीज, सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो ऑन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जो फंक्शन गिवन है लॉग कॉस एक्स, हो गया लॉग कॉस एक्स। एफ ऑफ ए, ए इक्वल टू क्या है, पाई बाई थ्री, अब यहां पर पाई बाई थ्री, ये हो गया एफ ऑफ पाई बाई थ्री प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू पाई बाई थ्री
अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 3 प्लस एंड सो ऑन। यहां से अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो लॉग कॉस एक्स इक्वल टू एफ पाई बाई 3। एफ पाई बाई 3 हमारे पास कितना है, ये एफ पाई बाई 3 है लॉग 1 बाई 2। लॉग 1 बाई 2 एफ पाई बाई 3 है लॉग 1 बाई 2। कॉस पाई बाई 3 मतलब 1, वो इतना 1 बाई 2, ये आ गया लॉग 1 बाई 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 एफ डैश पाई बाई 3। एफ डैश पाई बाई 3 कितना है, माइनस रूट 3 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां पर ये फैक्टोरियल 1 एंड एफ डबल डैश पाई बाई 3। एफ डबल डैश कितना है, माइनस 4 फिर प्लस एक्स माइनस पाई बाई 3 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश पाई बाई 3। एफ ट्रिपल डैश है माइनस 8 रूट 3 एंड सो ऑन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग कॉस एक्स, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग कॉस एक्स इक्वल टू लॉग 1 बाई 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस पाई बाई 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस 4 एक्स माइनस पाई बाई 3 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 8 रूट 3 एक्स माइनस पाई बाई 3 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। मतलब जो बाद में टर्म्स लिखे थे उनको पहले लिख दिया, बस इसको हमने अरेंज कर दिया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इस पर हम एक सम और करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एच साइन थीटा माइनस एच साइन थीटा होल स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू प्लस एंड सो ऑन अप टू माइनस वन होल टू द पावर एन माइनस वन एच साइन थीटा होल टू द पावर एन साइन एन थीटा अपॉन एन प्लस एंड सो ऑन। अभी तक जो सम किए थे उसमें हमने केवल स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाले, किसी में 4 टर्म्स निकाले, किसी में 5, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको nth टर्म भी निकालना है। तो मैकलोरिन में जब हम nth टर्म निकालते हैं तो लेबनीज थ्योरम से निकालते हैं। यहाँ पर अगर एक सिमेट्री बनेगी तो हम उससे भी nth टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस एच का फंक्शन है, ठीक है, तो हमने क्या लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एच, ये हम लेकर चलेंगे। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर किसकी पावर में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्स की पावर में हो रहा है या एच की पावर में हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो एच की पावर में है, ये एच आ रहा है, यहाँ पर एच स्क्वायर आ रहा है, फिर एच क्यूब आ रहा है एंड सो ऑन अप टू एच टू द पावर एन आ रहा है। मतलब एक्स में नहीं है, यहाँ पर किसमें एक्सपेंशन है, एच की पावर में। तो जिसकी पावर में एक्सपेंशन होता है उसको हम जीरो रखते हैं। तो यहाँ पर एच की पावर में एक्सपेंशन है, मतलब एच इक्वल टू जीरो रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक। तो कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू जब जीरो रखेंगे फर्स्ट में तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली। तो यहां पर जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल यही होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमको देखना है कि हमारे पास एक्स प्लस एच का फंक्शन था, लेकिन जो प्रूफ आ रहा है वो एच की पावर में आ रहा है और साथ में थीटा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स और थीटा में कोई ना कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर थीटा और एक्स में रिलेशन क्या दिया हुआ है, वेयर थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा पुट करना है, क्योंकि तभी हमारा प्रूफ थीटा में आएगा, अदरवाइज ये एक्स के टर्म्स में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये है एफ डैश कॉट थीटा, मतलब ये चल रहा है एफ डैश एक्स, और एक्स इक्वल टू हमने रखा कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम सेकंड प्रूफ निकालते हैं, तो यहाँ पर सेकंड प्रूफ करेंगे उसके लिए एफ डबल डैश एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या चाहे तो हम डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर वन और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट मतलब टू एक्स। तो इसको जब डिफरेंशिएट किया या हम चलो इसको डिवाइड रूल से करके देखते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वही रहेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट वन का जीरो माइनस फिर न्यूमरेटर वन और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट वन का हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ठीक। ये कितना आ गया माइनस टू एक्स, क्योंकि ये टर्म्स तो जीरो हो गया, वही आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम डिवाइड रूल लगा के करते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें फिर हम रखेंगे एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो जाएगा माइनस टू कॉट थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू कॉट थीटा अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होल टू दी पावर टू मतलब कॉसेक टू दी पावर फोर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन कॉसेक टू दी पावर फोर थीटा को लिख सकते हैं हम साइन टू दी पावर फोर थीटा। एक थीटा से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कितना आ गया टू साइन थीटा। अगर एक साइन थीटा को हम कॉस के साथ लिख दें और एक साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, क्योंकि जो हमारा प्रूफ है वो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है साइन टू थीटा आ रहा है, कहीं भी कॉस नहीं आ रहा है, तो अगर हम इसको कॉस थीटा के साथ एक साइन थीटा लिख दें मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा, और एक बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा। एक मिनट, ये माइनस साइन चल रहा है, माइनस यहां भी माइनस यहां भी माइनस यहां भी माइनस, साइन टू थीटा हो जाएगा ये माइनस का, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गया एफ डबल डैश एक्स मतलब एफ डबल डैश कॉट थीटा, ठीक। इसी तरह से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट जो करेंगे वो के एक्स का फंक्शन करेंगे, और एक्स के फंक्शन में हम जैसे यहां पर जो एक्स का फंक्शन था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, उसमें एक्स इक्वल टू कॉट थीटा रखा, तो प्रूफ जो हमारा आया वो थीटा के टर्म्स में आया। इसी तरह से जो हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स को एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स जो एक्स वाला टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट किया, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर हमने उसमें एक्स इक्वल टू कॉट थीटा रखा, मतलब जैसे एफ एक्स था टेन इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें रखा एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसके बाद जब हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला तो जो एफ डैश एक्स एक्स के टर्म्स में था उसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, इसमें हमने x इक्वल टू कॉट थीटा रखा, ये हमारे पास ये आ गया। अब जो f डबल डैश x है ये वाले जो फंक्शन है थीटा का उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, फिर से जो f डबल डैश x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर f ट्रिपल डैश x कितना आ जाएगा माइनस, हमने कॉमन ले लिया, अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इसकी पावर फोर हो जाएगी, ठीक। तो डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर किया तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो ये पावर फोर हो गया, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर टू और टू एक्स का हो जाएगा टू माइनस साइन हमने कॉमन लिया, फिर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में है टू एक्स और डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स पहले इस पूरे को एक्स मान के कहेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वन का जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये आ जाए, ठीक। इसमें हम कॉमन लेते हैं तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू कितना कॉमन आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो एक वन प्लस एक्स स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा,
ये पावर 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ से, केवल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ से 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू 2 मतलब 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर अपॉन में, और बाहर माइनस साइन है तो ये माइनस रहेगा, माइनस अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 4, ये 3 रह गया। ये आ गया एफ ट्रिपल डैश एक्स, यहां पर अगर हम और सॉल्व करें इसको तो माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। अब इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू, इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, इसमें अगर हम रखते हैं x इक्वल टू कॉट थीटा, x इक्वल टू कॉट थीटा, ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश कॉट थीटा इक्वल टू 6 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहां से अगर हम सेपरेट करें इसको तो ये हो जाएगा 6 कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 मतलब कॉसेक टू द पावर 6 थीटा, ठीक, माइनस 2 अपॉन कॉसेक टू द पावर 6 थीटा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर के, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक टू द पावर 6 थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 6 थीटा, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 6 थीटा। अब जो प्रूफ है हमारा वो कहीं भी उसमें कॉस नहीं है, पूरा किसमें है, साइन में है, तो अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दूं, साइन इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 6 थीटा, कितना हो जाएगा ये 6 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 6 साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 6 थीटा, माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 8 मतलब 6 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 8 साइन टू द पावर 6 थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा एफ डैश एक्स है वो कितना आया है साइन थीटा, एफ डबल डैश एक्स है वो कितना आ रहा है साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब पहले वाले में साइन थी, इसमें साइन थीटा है, फिर साइन स्क्वायर थीटा है, उसके अगले में साइन क्यूब थीटा आना चाहिए, इसी तरह से यहाँ साइन थीटा है इसमें साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिख लूं कि यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अब इसको बैलेंस करूं तो क्या यहां से हो रहा है, तो अगर मैं 3 साइन थीटा में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 6 साइन टू द पावर 4 थीटा आ जाए मतलब 2 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया 6 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कितना हो जाएगा 8 साइन टू द पावर 6 थीटा, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन क्यूब थीटा एंड साइन 3 थीटा, ये वैल्यू किसकी हो गई एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब ये वैल्यू आ गई एफ ट्रिपल डैश कॉट थीटा की, ठीक, तो ये आ गया एफ डैश एक्स, ये आ गया एफ डबल डैश एक्स, इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें तो एफ और ये आ गया एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो यहां पर एक सिमेट्री बन रही है, अगर इससे हम nth टर्म निकालना चाहें तो लिख सकते हैं जैसे f डैश x में आ रहा है sin थीटा, f डबल डैश में आ रहा है sin 2 थीटा
एंड साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया और स्क्वायर थीटा से यहाँ पर क्यूब थीटा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर साइन थीटा में साइन थीटा है, यहाँ साइन टू थीटा है, यहाँ पर साइन थ्री थीटा है। तो हम ऐसा तो इसी तरह से अगर हम एनथ टर्म निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा है, फिर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थ्री थीटा, सॉरी हाँ साइन क्यूब थीटा, फिर साइन टू द पावर एन थीटा। तो यहाँ पर एक जनरल टर्म हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसका जनरल टर्म निकालना चाहें तो क्या आएगा, एफ एन एक्स इक्वल टू, एफ एन एक्स इक्वल टू एफ एन एक्स इक्वल टू कॉट थीटा रखेंगे। तो यहां पर देखो फर्स्ट टर्म हमारा पॉजिटिव आ रहा था, एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है, फिर उसके बाद एफ डबल डैश हमारा नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसमें माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक, मतलब नेगेटिव आ रहा है। फिर ट्रिपल डैश हमारा फिर पॉजिटिव आ रहा है, फोर्थ हम निकालेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन, मतलब टू पे पॉजिटिव आ रहा है, थ्री पे नेगेटिव आ रहा है, सॉरी टू पे नेगेटिव आ रहा है, थ्री पे पॉजिटिव आ रहा है, फोर पर फिर नेगेटिव आ रहा है। तो फोर रखेंगे तो यहाँ पर फिर नेगेटिव आ जाएगा, फाइव रखेंगे तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से एन के लिए जब हम लेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरह से यहाँ पर जब हम एफ डैश निकाला है तो उसमें साइन थीटा आ रहा है, एफ डबल डैश जो हमने निकाला है उसमें कितना आ रहा है, माइनस साइन टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, प्लस मतलब वन में आ रहा है। ट्रिपल डैश जब निकाल रहे हैं तो उसमें टू आ रहा है, फोर निकालेंगे तो वहां पर थ्री आएगा, थ्री टू टू मतलब सिक्स आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस वन। यहाँ पर साइन थ्री थीटा है तो साइन थ्री थीटा क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश में थ्री थीटा आ रहा है, डबल डैश में टू थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एन थीटा एंड साइन टू द पावर एन थीटा, ठीक। तो ये वैल्यूज हमारी आ गई, एन एट जनरल टर्म आ गई हमारी। इसके बाद अब हमें अब हम क्या जानते हैं, टेलर थ्योरम जानते हैं, उसमें हम वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा, वी नो दैट बाय टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, क्योंकि हमारा जो फंक्शन दिया है वो एक्स प्लस एच में दिया है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है टेन इनवर्स एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारे पास है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश, एफ डबल डैश हमारे पास कितना आएगा, ये था माइनस साइन टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री साइन टू द पावर एफ ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल डैश एक्स हमारे पास कितना है, टू साइन थ्री थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस एंड सो ऑन टू एच टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स, ये हमारे पास है माइनस वन होल टू द पावर एन फैक्टोरियल एन माइनस वन साइन एन थीटा साइन टू द पावर एन थीटा प्लस एंड सो ऑन। अब इसको बस हमें अरेंज करना है, जिस फॉर्म में हमारा प्रूफ आया है हमें उस फॉर्म में लिखना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा एच साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन वन, फिर माइनस इसको हम लिख सकते हैं एच साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो हमने लिखा एच साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन टू साइन टू थीटा, या साइन टू थीटा के अपॉन में है हम लिखेंगे साइन टू थीटा अपॉन टू, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं एच साइन थीटा होल क्यूब अपॉन अपॉन में नहीं सॉरी साइन थ्री थीटा, जिस फॉर्म में हमारा प्रूफ दिया है ना उसी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एच साइन थीटा होल क्यूब अपॉन टू से टू कैंसिल हो जाएगा थ्री और साइन थ्री थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू माइनस वन होल टू द पावर एन माइनस वन, फिर एच साइन थीटा होल टू द पावर एन एच साइन थीटा होल टू द पावर एन अपॉन ये सॉरी साइन एन थीटा अपॉन एन। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया प्रूफ हो। इसी तरह से अगर करना चाहें तो हम एक सम और कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये सम आता है टेन एक्स प्लस फाइव बाई फोर
इसमें हम किससे इसका कंपेयर करेंगे, मतलब हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, इस सम को भी हम कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर h इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई फोर, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स से हम कंपेयर कर देंगे तो टेन एफ एक्स इक्वल टू हो गया टेन एक्स, और यहाँ पर जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो पाई बाई फोर पर करेंगे, तो पाई बाई फोर मतलब टेन पाई बाई फोर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसी तरह से हम एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, यहाँ पर जो टेलर सीरीज लगेगी वो कौन सी वैल्यू होगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एच प्लस एंड सो ऑन, और एच इक्वल टू हम इसमें रखेंगे पाई बाई फोर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू वन प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एट बाई थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हम इस टाइप से हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टेलर सीरीज कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।